मेघना गुलजार की फिल्म सेम बहादुर रिलीज हो गई है। सेम बहादुर फील्ड मार्शल सेम मानिक शॉ की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। फिल्म में विक्की कौशल, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, गोविंद नामदेव और मोहम्मद जिशान अयूब लीड रोल में हैं। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज़ हुई है और इसका मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल से है। मेघना गुलजार को हटकर विषयों पर फिल्म बनाने के लिए पहचाना जाता है। सेम बहादुर भी इसी तरह की फिल्म है। तो आइए जानते हैं सेम बहादुर में क्या है खास और कैसी है फिल्म। सबसे पहले बात करते हैं सेम बहादुर की कहानी की। मेघना गुलजार की सेम बहादुर में सेना के अफसर सेम मानेकशॉ की ज़िंदगी को दिखाया गया है। किस तरह सेम अपनी धुन के पक्के थे और अपनी बात पर कायम रहते थे। उन्होंने सेना के लिए 5 जंग लड़ी और उनकी ज़िंदगी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को फिल्म में पेश किया गया है। सेम बहादुर में भारत की कई ऐतिहासिक हस्तियां भी दिखती है। इस तरह फिल्म की डायरेक्टर मेघना ने सेम की ज़िंदगी के ज़रिए इतिहास की कई परतों को भी पेश किया है। बेशक कहानी इंस्पायरिंग है और विजुअल अच्छे हैं, लेकिन कहानी की ट्रीटमेंट और सितारों की परफॉर्मेंस फिल्म को लेट डाउन कर देती है। किरदारों में गहराई की कमी है और कहानी भी सुपरफिशियल है, जिस वजह से फिल्म से कनेक्शन ही नहीं बन पाता है। अब हम बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन का। मेघना गुलजार इससे पहले तलवार, राजी और छपाक जैसे फिल्में बना चुकी है। सेम बहादुर पर वो लंबे समय से काम कर रही थी। बेशक कहानी उन्होंने अच्छी चुनी, शख्सियत भी जानदार थी, विजुअल भी अच्छे बुने, लेकिन किरदारों के लिए सितारों का चयन कसौटी पर खड़ा नहीं उतर पाया है। फिर इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए था वो भी मिसिंग है कहीं ना कहीं। मेघना गुलजार का डायरेक्शन काफ़ी औसतन रहा है इस फिल्म में। अब हम बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की। सेम बहादुर में मोहम्मद जिशान अयूब और गोविंद नामदेव को छोड़ दिया जाए तो कोई एक्टर कैरेक्टर में फिट नहीं बैठता है। विक्की कौशल सेम के रोल में कहीं बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं तो कहीं एकदम डाउन। उनकी एक्टिंग काफ़ी एवरेज रही है। फिर उनका बोलने का अंदाज बॉलीवुड के सदाबहार हीरो के बोलने के अंदाज की याद दिलाता है। सानिया मल्होत्रा के लिए ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। फातिमा सना शेख ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया लेकिन यादगार नहीं है। इस तरह फिल्म किरदारों को गढ़ने या उनकी असली जैसे दिखाने को सिर्फ लुक वाइज कोशिश की गई है। अब हम बात करते हैं फिल्म के वर्टिक की। सेम बहादुर देशभक्ति के जज्बे और एक करिश्माई शख्सियत की ज़िंदगी को समेटे हैं। जो लोग सेम मानिक शॉ को फिल्म के जरिए जानना चाहते हैं वो ज़रूर एक बार इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने मेघना की तलवार और राजी देखी है उन्हें ज़रूर निराशा हो सकती है। तो अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।